Good evening everyone and welcome to RK Tutorials. Friends, this is the last part of life processes in which we are going on to discuss about human circulatory system and last topic of this chapter which is excretion. Excretion topic halanki itna important nahi hai, usme se kuch bhi zyada pucha nahi jata hai. But ek concept hai jo usme se zarur pucha jata hai which is about kidney failure. Means हम लोगों की किडनी क्यों फेल हो जाती है, किडनी का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, एंड किडनी जब फेल हो जाती है मींस जो हमारा स्टेटमेंट होता है कि किडनी फेल हो गई है, इट स्टॉप्स वर्किंग, तो उसको हम लोग रिपेयर कैसे करते हैं बाय मेडिसिन और बाय एनी अदर ट्रीटमेंट. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या है ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग पहले प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर विजिट कर लें जिसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से बीच में शुरू करने वाले हैं. मींस हम लोग यहाँ से ये शुरू करने वाले हैं कि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उससे पहले के सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स और वो ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है, तो पहले आप लोग वो जरूर देख लें. ओके, सो मूविंग अहेड, स्टेप वन, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स, द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. ओके, सो जब हमारा जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है, टू अपर चैम्बर्स आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से. ये आपको सिंपल डायग्राम में देखने को मिल जाएगा, इस डायग्राम में रिटन नहीं है ऐसा कुछ भी, बट आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप उसको देख लें, उसमें आपको वेंट्रिकल्स और एट्रियम पूरा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, वही हमारे फोर चैम्बर्स होते हैं. तो क्या होता है कि जब हमारा ब्लड जो है वो लंग्स से आता है, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स से आता है और सबसे पहले मेन आर्टरी में, लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट मीन्स जो सब फर्स्ट चैम्बर जिसमें एंटर करता है ब्लड, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम. सबसे पहले जब हमारा हार्ट जो है वो एकदम से रिलैक्स होता है तो हमारा जो ब्लड है वो लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स से फ्लो होकर सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है. उसके बाद वाल्व्स जो होते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट के वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है. वेंट्रिकल मतलब ऑट्रियम के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, उसमें चला जाता है. ओके, सो व्हेन द लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व वन. ये वॉल्व, इसको V1 बोलते हैं हम लोग, जो खुलता है और हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश हो जाता है, ठीक है. और ये पुश क्यों होता, ये पुश जो होता है मींस जो हमारे वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, यही हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि धक धक हो रहा है. और एक और चीज कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन पता नहीं आया होगा या नहीं, कि जब हम लोग डर जाते हैं तो हमारा हार्ट काफी तेज बीट करने लगता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन से पहले हमारे हार्ट को ये पता चल जाता है कि हमारे लिए कोई खतरा है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो पहले ही ब्लड की सप्लाई तेज कर देता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी बॉडी पार्ट को ब्लड की जरूरत अचानक पड़ जाए और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना हो रही हो वहां पर, ठीक है. इसी वजह से जब हम लोग डर जाते हैं या फिर कोई चोट लग जाती है तो हार्ट की बीट्स तेज हो जाती हैं. वो बीट्स क्या होती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स, ठीक है. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, सो स्टेप थ्री इज when the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery called aorta. Okay, so जब हम लोगों की left ventricle contract करती है, means जब blood को push करती है वो, तो ये blood को push करती है main artery में. Main artery में push करने के बाद, main artery means बहुत सारी arteries होती हैं, लेकिन ये बहुत सारी arteries जो होती हैं ये main artery से connect होती हैं. ये main artery जो होती है इसका shape और size बाकी की आर्टरीज से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए उसको मेन आर्टरी कहते हैं. ओके, सो दिस मेन आर्टरी देन ब्रांचेस इनटू आर्टरीज व्हिच गो इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स. उसके बाद ये जो मेन आर्टरी होती है ये काफी सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और
ये सारे जो बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, ये बॉडी के हर पार्ट, बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट लंग्स। क्यों? लंग्स से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ही है, तो वहां पर दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाएगा नहीं, ठीक है? ओके, सो द स्मॉलर आर्टरीज फर्दर ब्रांच इनटू कैपिलरीज। ओके, अब जो सबसे छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनका ब्रांचिंग शुरू हो जाता है कैपिलरीज में, ठीक है? कैपिलरीज जो हम लोग ये बोलने लग जाते हैं कि ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ अवर मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है? ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, स्टेप फोर। व्हाट इज स्टेप फोर? द मेन आर्टरी कैरीज टू ऑल द ऑर्गन्स, कैरीज ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ट्रंक एंड लेग्स। ओके, सो मेन आर्टरी जो होती है ये फर्दर आर्टरीज में डिवाइड होती है, वो आर्टरीज बॉडी के हर ऑर्गन्स तक जाती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को रिस्पॉन्सिबल करती हैं, ठीक है? मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको फ्लो करती हैं बॉडी के हर पार्ट में। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं ये आपको दिख रहे हैं एक्सेप्ट लंग्स, यहाँ पर लंग्स नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे, व्हेन द लंग्स, व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी, passes through the capillaries of the body organs, then it gives oxygen to the body cells. Since the blood loses oxygen here, we say that blood has been deoxygenated. Okay, so अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा oxygenated blood है, जब ये arteries के बाद capillaries से pass होता है, तो capillaries से pass होने पे ये body organs को वहीं पर oxygen lose कर देता है blood से, ठीक है? ब्लड से ऑक्सीजन लूज कर देता है और उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रह जाती है, ठीक है? ओके, मूविंग अहेड, इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। ओके, सो व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल टू। अब क्या होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जाता है राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम में मींस लेफ्ट ऑट्रियम के सामने वाले चैम्बर में, ठीक है? एंड राइट ऑट्रियम के वॉल टू ओपन होता है और राइट ऑट्रियम से ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है? थ्रू द वॉल टू, क्लियर हो गया? एंड व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। In the lungs, deoxygenated blood releases its CO2 and absorbs fresh oxygen. Okay, so क्या होता है कि last में जब हमारा blood जो होता है वो right ventricle में पहुंच चुका होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा right ventricle blood को push करता है, तो ये blood को push करता है main pulmonary artery में, ठीक है? Through pulmonary artery, और ये pulmonary artery में जो blood flow होता है, this is deoxygenated blood. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये वापस लंग्स में जाता है और लंग्स में जाकर ये CO2 को रिलीज करता है, जो ये पूरी बॉडी से कैरी करता है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी पार्ट्स को देता है, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लंग्स को देता है, ठीक है? और उसके बाद ही हम लोग ब्रीद आउट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस विद इन मिली सेकेंड्स या फिर विद इन नैनो सेकेंड्स परफॉर्म हो चुका होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है सभी को पता होगा। एक्सक्रिएशन मींस द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज या फिर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है? ओके, so the process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. It takes in plants as well as in animals. ये जो excretion process होती है ये plants में भी होती है और animals में तो होती है, सभी को मालूम है ये। Moving ahead, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि plants में excretion किस तरह से perform होता है। So the main waste products produced by plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen. ओके, सो बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं परफॉर्म हो रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, और जब ट्रीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे
ट्रीज भी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए एक टाइम पे जो ऑक्सीजन जो होती है वो भी बेस प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स, वेयर एज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है, मीन्स नाइट में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स लूज कर रहा होता है और दिन के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। क्लियर हो गया। और इसी का उल्टा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं एंड ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे होते हैं। ओके, सो अब बात आती है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन की। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन क्या होता है? द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कलेक्ट्स द लिक्विड वेस्टेज ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स इट गेट रिड ऑफ देम। जो जैसे हम लोग सारे, जब हम लोगों ने सारी प्रोसेस पढ़ी थी, उन सारी प्रोसेसेस के साथ हम लोगों ने एक प्रॉपर सिस्टम स्टडी किया था। मींस जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी किया था। ऐसे ही जब हम लोग एक्सक्रिएशन डिस्कस करने वाले हैं तो एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी होता है जिसके मेन ऑर्गन्स होते हैं 2 kidneys, 2 uterus, 2 urethra एंड ब्लडर, ठीक है। इनके सभी के अपने अपने फंक्शंस होते हैं एंड इन सारे ऑर्गन्स का मेन काम यही होता है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके किडनीज तक लाना और किडनी फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्रिएट कर देती है, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज? द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस यूरिया और अदर वेस्ट लाइक सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रिएट इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यूरिन, दस किडनीज क्लीन आवर ब्लड। ओके, सो फाइनली किडनी का फंक्शन क्या होता है कि किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को क्लीन करती है, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि हम लोग अपना अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी जरूर कर दें। ओके.